वडोदरा शहेरना वेपारी ने अजाण्या शख्सोए विश्वास में लईने रूपया 7 लाख नी ठगाई करवानो चकचारी किस्सो सामे आव्यो छे। शहेरना राजमहल रोड पर मोबाइल एसेसरीजनो वेपार करता वेपारी पासेथी जत्थाबंध माल लेवानी लालच आपी करजन खाते दुकान बतावाना नामे लई जई रस्तामां मार मारी रूपया 7 लाख पड़ावनार टोळकी सामे नवापुरा पोलीस मथकमां फरियाद नोंधाई छे। टोळकीए वेपारी ने तमारी सोपारी मळी छे तेम जणावी रूपया 50 लाखनी खंडणीनी मांगणी करी हती। नोंधनीय छे के टोळकीए जानथी मारी नाखवानी आपेली धमकीथी गभराई गयेला वेपारीए फरियाद करी न हती, परंतु टोळकी वलसाड पोलीसना हाथे झड़पाई जता वेपारीए पोलीस फरियाद करी हती। मेरा नाम दलाराम जीवाजी चौधरी, मैं इधर काम करते हैं। आपकी दुकान कहाँ पे आई है? वर्षिदी टावर। क्या घटना बनी थी? जैसे कि मेरे को वो व्यापारी बन को आया क्या, मतलब कि भाई मेरे को माल चाहिए, कि बोलो तो मैं राजस्थान का हूँ और मेरा भाई काम बराबर नहीं करता है, तो उसके साथ में हमको धंधा करने का है, तो बोलो ठीक है। तो एक दिन आया तो मेरे को बात किया, फिर दूसरे दिन फ़ोन किया कि भाई मेरे को माल चाहिए, आईडी टारगेट का माल अच्छा आता है। तो दूसरे जगह पे मैं गया तो मेरे को माल कोई सही लगा नहीं, तो आपसे मेरे को खरीदी करने के माल के लिए, तो आप मेरे को माल दे सकते हैं? मैं बोला ठीक है। बोलो कहाँ चाहिए? तो बोलो कि पोर के बाजू में करजन है। तो मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं। बोले मेरे पास अभी तो टाइम है नहीं, मैं राजस्थान जा रहा हूँ, 2-4 दिन के बाद में मैं आता हूँ, देखता हूँ। फिर मेरे को फ़ोन पर बात करता हूँ, मेरे को लगा कि भाई आप माल देना वो करना, मैं बोला ठीक है। फिर 2-3 दिन के बाद में मैं गाँव को गया, फिर मेरे भाई भतीज को लक्ष्मण को चेक दिया उसने 5 लाख का, कि भाई 5 लाख मैंने चेक दिया है और मैं अभी उनको लेके जाऊँ। मैं बोला अभी मत लेके जाओ, मैं आने के बाद में मैं जो भी है लोकेशन देख लूँगा। उन्होंने बोला कि भाई मेरा बिल्डर भी अच्छा उधर है और काम भी अच्छा होता है, तो कहना मतलब माल उधर मेरे को भरने का, तो आप एक बार विजिटिंग कर लेना। मैं बोला ठीक है, एक बार देख लेता, मेरे को टाइम मिलेगा तो आऊँगा। तो मेरे को बार बार उसका फ़ोन आता था, तो मेरे को लगा कुछ व्यापारी होगा, तो एक बार अपन जाते हैं माल को टॉर्च करता, तो मेरे को यानी कंपनी से जाना ही पड़ता है। तो मैं देखा तो मैं गया, तो कहना मतलब फिर मैं आगे इधर से बड़ौड़ा से आगे गया, फिर उधर मेरे को 3 आदमी उन्होंने गाड़ी में बिठा दिया। फिर थोड़ा आगे बोला गया तो बोला मेरे को उल्टी होती है, गाड़ी रुको। तो मैं गाड़ी रोकी, तो उसमें फिर मेरे हाथ में से मेरी गाड़ी उसने ले ली क्या मतलब। फिर उधर से मेरे को पीछे सीट के नीचे दबा दिया, फिर उसके बाद में मेरे को कुछ मालूम पड़ा नहीं। और उसके बाद में उन्होंने खूब मैंने टोसो भी किया कि भाई मेरे को तो 50 लाख चाहिए क्या मतलब। तो मतलब आगे से ये मेरे को उसने बोला, मतलब किसने बोला, तो नाम बताओ। तो बोला नाम तो अभी नहीं बता सकते, पहले तू पेमेंट दे, बाद में तेरे को नाम बता दे। मैं बोला अभी तो इतना मेरे पास है नहीं। तो बोला तेरी अभी चौधरी कीमत कितनी है? मैं बोला अभी मेरा 0% कीमत है, बाकी कुछ मेरे पास है नहीं। तो तुम उठा को मेरे को बांध दिया, सब कुछ कर दिया, तो अभी मेरा है नहीं कुछ मेरे पास, तो कि अभी तेरे को पेमेंट मेरे को देना पड़ेगा। बोला तू कैसे धंधा कर रहा है? मतलब रोकड़ा तो मैं दे है नहीं मेरे पास, चेक से दे देता हूँ। तो कहते चेक वैक कुछ नहीं चाहिए, नहीं मोबाइल से मैं ट्रांसफ़र करता हूँ। तो कहते नहीं मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को रोकड़ा ही चाहिए। तो मैं फिर आधा घंटा कुछ बोला नहीं, फिर वो मैंने 50-25 हज़ार से चालू किया। तो वो बोले कि नहीं इतना तो नहीं, तेरे को तो 50 तो देना ही पड़ेगा। मैं बोला मेरे पास है नहीं। तो बोला कि मेरे को सुपारी मिली, ये मिला, मेरे को बोला धमकाया भी, मारा भी, करी सब कुछ उन लोगों ने, जो भी उनको करना था वो कर दिया। और मेरे को चाकू बताया, धमकी भी दी, मारने की धमकी दी कि अभी तेरे को भी मार देता हूँ, कैनल में फेंक देता हूँ, और गाड़ी भी तेरे को बेच देंगे, ऐसे भी बहुत धमकाए। फिर मैंने उसको मान मान करके यानी एडजस्ट करके पेमेंट आंगड़िया में से दिलवाया, एक में 5 दिया, एक से 2 दिया। तो मैंने उसको मान मान करके यानी एडजस्ट करके पेमेंट आंगड़िया में से दिलवाया, एक में 5 दिया, एक से 2 दिया। तो फिर उन्होंने मेरे को बाद में धमकाए भी करी, बोला अभी तू 2-4 दिन कहीं पर जाने का नहीं, नहीं तो तेरे को मार देंगे, किसी को बताना। मैं बोला ऐसा तो कैसा है। फिर मैं बेहोश हो गया, मेरे को इंजेक्शन भी लगाया और मैं किसी को भी बाद में बताया नहीं। मैं 15-20 दिन बीमार हो गए, फिर बाद में मैंने जो भी कैसे छूटे थे। आप कितने आदमी थे? कौन वो टोटल है ना, धवल भाई करके था, उसके साथ में 3 आदमी और थे, क्या टोटल 4 आदमी थे। और कितने पैसे दिए आपने? मैंने टोटल 7 लाख रुपये दिए। फिर आपने फरियाद कौन से पुलिस स्टेशन में की? नवापुरा। तो क्या बताया, क्या गया पुलिस स्टेशन में? उन्होंने जाते हुए मेरा वो रिक्वेस्ट कर दिया, तो उन्होंने फरियाद ले ली। हमारे माध्यम से आप व्यापारी हो, क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको सजा भी मिलनी चाहिए और किसी के साथ में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, जैसे उनको जो भी कार्रवाई होनी चाहिए और मेरा पेमेंट मेरे को वापस मिलना चाहिए। और मैं सबसे विनती करता हूँ किसी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पूरा नाम? मेरा नाम दलाराम जीवाजी चौधरी है।